गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। टुडे वी विल सी अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्सेस एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। उस एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम लोग ई एक्टिवेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई एंड स्मॉल ई में इसको हम लोग ई एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट, ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट। अगर देयर आर सम कंडीशन, दैट कंडीशन इज दैट इफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, इफ एनी केमिकल रिएक्शन दे हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मीन्स दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके, दैट मीन्स यू कैन से मोर एंड मोर नंबर ऑफ कोलिजन विल टेक प्लेस, मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड टुगेदर, सो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी लो एंड द रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट। बट इन केस ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी दैट मीन्स दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, दैट मीन्स दे हैव वेरी लेसर नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। नाउ वी विल सी अबाउट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हाउ द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी टेक H2, the bond between H and H is single bond. Now we react with iodine. Okay, now it react with thick. First of all it will form activated complex or intermediate. Okay, this will be the activated complex, activated complex. Okay, now they will react together and finally it will convert into product. Product means H2 plus I2 HI. HI means you can see that will be HI. It will be the product. Okay, that means this activated complex is unstable. It will form for very short time. Okay, it will change into product. Okay, this is the concept of activation energy and transition state theory. That means how reactant will convert into product. First of all, this reaction have to pass through the activated complex. Okay, and there are so many examples which are related with these types of reaction. Okay, the specific configuration of this state is called activated complex or intermediate. In the next video we will discuss about the progress of the reaction. We will talk about rate determining step. Okay.
ओके ओके थैंक यू।